हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। दोस्तों, दुनिया डिजिटल हो गई है, ऐसे में आपको भी डिजिटल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों अभी भी आप लोग मनी ट्रांसफ़र यानी दोस्तों पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए पुराना ही मेथड यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं दोस्तों आपको मनी ट्रांसफ़र यानी पैसा ट्रांसफ़र करने का 4 मेथड बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको मनी ट्रांसफ़र के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको चारों तरीके के बारे में बताते हैं जो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज में आता है। दोस्तों, सबसे पहला मेथड है बैंक। वही पुराना मेथड, बैंक के द्वारा जाइए, बैंक में वहाँ पर स्लिप मिलता है, स्लिप को फिलअप कीजिए। उसके बाद दोस्तों काउंटर पर जाइए। काउंटर पर जाने के बाद वो भी दोस्तों काउंटर पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। वहाँ पर जाने के बाद आपका पेमेंट वहां से कट कर जाता है, उसके बाद अकाउंट में पहुंच जाता है। दोस्तों, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, उसके लिए दोस्तों पहला नंबर है कि आपको बैंक में जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, बैंक में जाने के बाद वहां से आपको फॉर्म फिलअप करके आपको वहां से ले जा करके जमा करना पड़ता है काउंटर के बाद, उसके बाद आपका अकाउंट में जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही पुराना मेथड है। अगर आप दोस्तों अभी तक इस मेथड को यूज करते हैं तो आप मेरे तीनों और ऑप्शन को सुन लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए। उसमें दोस्तों आपका टाइम का भी बचत होगा और दोस्तों जब चाहे तब आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है दोस्तों? सेकंड मेथड है नेट बैंकिंग। दोस्तों, नेट बैंकिंग एक ऐसा दोस्तों जरिया है, उसके द्वारा आप कहीं से भी कभी भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बैंक भी जाना नहीं पड़ता है अगर आप नेट बैंकिंग ऑन कर लेते हैं तो। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि नेट बैंकिंग कैसे ऑन किया जाता है। अगर अभी तक दोस्तों आप लोग वो नेट बैंकिंग का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों, वहां पर मैं आपको बताया हूं कि नेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट किया जाता है। दोस्तों, इसमें मैंने SBI का नेट बैंकिंग ऑन करने के लिए बताया हुआ है। अगर आपका कोई भी और बैंक है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और उसका नेट बैंकिंग का सारा प्रोसेस बता दूंगा कैसे आप एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप SBI का नेट बैंकिंग ऑन करना नहीं जानते हैं तो आप आई बटन वाले पर जाकर के क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहाँ से आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको SBI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू मैं आपको पैसा भेज करके दिखला देता हूँ कैसे उसमें भेजा जाता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने PC स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको SBI के साइट पर लेकर के आया हूँ जहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा भेजा जाता है या फिर बैलेंस आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आप न्यू यूजर हैं, अभी तक आपका पास ID पासवर्ड नहीं है SBI का, तो आप दोस्तों यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। यहाँ पर मैं लॉगिन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पर फिर से लॉगिन करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आपको आपके पास ये यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए जहाँ से आप ये यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर लेता हूँ। कैप्चा फिलअप करने के बाद दोस्तों मैं यहां पर लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरा यहां पर नेट बैंकिंग लॉगिन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरा यहां पर नेट बैंकिंग लॉगिन हो गया है। यहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं मेरा नेट बैंकिंग लॉगिन हो गया है। यहां से मैं दोस्तों अपना अकाउंट चेक कर सकता हूं, मेरे पास कितना अकाउंट है, कितना बैलेंस है। यहां पर टोटल मेरा बैलेंस शो कर देगा। मेरे पास यहां पर 2 अकाउंट है, मेरा यहां पर दोनों अकाउंट शो कर रहा है। यहां से दोस्तों हम लोग अकाउंट का स्टेटमेंट ये सब निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है। लगभग आप यहाँ से न्यू SBI का कार्ड, जो ATM कार्ड होता है, यहाँ से जनरेट
जनरेट कर सकते हैं, यहीं से आप एटीएम का पिन भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एटीएम का पिन और एटीएम कैसे मंगाया जाता है न्यू उसके बारे में जानना है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका सारा ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफ़र करने का सारा ऑप्शन नज़र आ जाता है। आपको इसमें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए अब यहाँ पर आना है फंड एंड ट्रांसफर्स पर। इस पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र और ऐड एंड मेंबर बेनिफिशियरी आता है ऑप्शन। अगर दोस्तों आपको 10,000 तक भेजना है किसी अकाउंट में तो दोस्तों आप यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र पर जा करके कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे आपके अगले वाले बंदे के अकाउंट में तुरंत पैसा चला जाएगा। अगर दोस्तों आपको 10,000 से ज़्यादा है यानी दोस्तों आपको 50,000,00,000 का ट्रांजैक्शन करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले जिसको भेजना है उसका बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा यानी उनका अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तब जो दोस्तों आप 10,000 से ज़्यादा आप इसमें भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको IMPS के थ्रू आपको पेमेंट करके दिखला देता हूँ, पैसा ट्रांसफ़र करके दिखला देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र में क्लिक करूँगा, इसमें मुझे बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना पड़ेगा क्विक ट्रांसफ़र करने में, अगर आप 10,000 से नीचे करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सारा इंटरफेस ओपन हो गया है। अगर आपका एक अकाउंट है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। मेरा यहाँ पर दो अकाउंट है तो मैं एक अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ दूसरे अकाउंट में, तो मैं इस पर एक अकाउंट पर क्लिक कर लूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम डालना है यानी दोस्तों जिनके पास पैसा भेजना है उनका यहाँ पर नाम डालना है। उसके नीचे जाता है अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट नंबर डालना है जिसके पास आपको ये पैसा भेजना है। तो मैं यहां पर उसका नाम, उनका अकाउंट नंबर और इसमें दोस्तों वही अकाउंट नंबर यहां पर फिलअप करना है। उसके बाद आ जाता है अब यहां पर पेमेंट ऑप्शन। अगर आपका SBI का ही अकाउंट है दोस्तों, अगले बंदे का SBI का ही अकाउंट है तो आपको विदिन SBI पर क्लिक कर लेना है। अगर आपका SBI से अदर कोई बैंक है यानी पंजाब नेशनल, ICICI कोऑपरेटिव या दोस्तों किसी भी तरह का अदर बैंक है तो आपको यहाँ पर अदर बैंक पर क्लिक करना होगा। उसमें दोस्तों आपको IFC कोड मांगा जाएगा। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट SBI में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप विथिन SBI पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अमाउंट डालिएगा। उसके बाद दोस्तों पर्पस आप किस तरह का क्यों आप उनको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस क्या पर्पस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसमें डोनेट या फिर इन्वेस्टमेंट पर मैं क्लिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर IFSCAT पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दोस्तों सारा डिटेल फिलअप कर लिया है। सारा डिटेल फिलअप करने के बाद मैंने यहाँ पर SBI का ही अकाउंट डाला है, इसी वजह से मैं यहाँ पर विथिन SBI पर क्लिक किया हूँ। अगर दोस्तों मेरा यहाँ पर पंजाब का अकाउंट रहता तो मैं यहाँ पर अदर बैंक पर मैं क्लिक करता, उसके बाद यहाँ पर पंजाब का IFSC कोड मैं यहाँ पर फिलअप करता। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफ़र मोड आता, तो ट्रांसफ़र मोड में आपको यहाँ पर IMPS सेलेक्ट करना है। IMPS सेलेक्ट कीजिएगा तभी दोस्तों आपका तुरंत अगले के अकाउंट में जाएगा। अगर आप नेफ्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका यहाँ से पैसा जाने में लगभग 2 से 3 दिन लगा देगा, लेकिन आपको यहाँ पर नेफ्ट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर IMPS ही सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, अमाउंट डालने के बाद सबमिट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर विथिन SBI पर मैं क्लिक करके मैं यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये आपसे एक बार वेरीफाई कराएगा कि हाँ ये अकाउंट डिटेल सारा कुछ सही है या फिर गलत है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल बता दिया कि किस अकाउंट से जाने वाला है, किस अकाउंट में जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उनका अकाउंट है जिनके अकाउंट से जा रहा है और ये इनका अकाउंट है जिनके अकाउंट में जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कंफर्म पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। अब दोस्तों हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जिसे OTP कहा जाता है, ये OTP आपको यहाँ पर फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर OTP फिलअप कर लिया। मैं यहाँ पर कंफर्म पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है। मैं यहाँ पर 1,000 रुपया उनके अगले के अकाउंट में डाल दिया हूँ, उनके अकाउंट में सक्सेसफुली पहुँच भी गया होगा। दोस्तों यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करने में इस मेथड के द्वारा आपको थोड़ा सा भी झंझट नहीं आएगा। अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपको यही मेथड सबसे ईजी लगेगा, इसमें 1 रुपया एक्स्ट्रा भी नहीं कटता है। तो चलिए दोस्तों अगले मेथड के बारे में जान लेते हैं।
दोस्तों आपने नेट बैंकिंग थ्रू तो पैसा भेजना सीख ही लिया। अब दोस्तों तीसरा मेथड के बारे में हम आ जाते हैं। तीसरा मेथड है AEPS। दोस्तों AEPS का दो काम होता है, एक है दोस्तों आधार से पैसा निकालना और उसके थ्रू पैसा ट्रांसफर करना। अगर दोस्तों आप लोग AEPS का यूज करना नहीं जानते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आपको कौन सा सबसे अच्छा AEPS लगता है वो भी मुझे वीडियो के कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बेस्ट AEPS कौन सी सर्विस देती है। तो चलिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं तीसरे मेथड। तीसरा मेथड दोस्तों है भीम UPI। दोस्तों UPI जिसके नाम से आप जानते होंगे, आप लोग सभी लोग एक बार जरूर नाम सुना होगा भीम UPI के बारे में। दोस्तों सबसे इजी वे है भीम UPI। अगर दोस्तों आप लोग भीम UPI को यूज करना नहीं जानते, ऐसे सभी लोग भीम UPI को यूज करना जानते होंगे, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं एक स्पेशल वीडियो इसके लिए सेपरेट वीडियो बता दूंगा, जैसे कि उसमें कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, कैसे पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उसमें कितना तक पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों भीम UPI से आप अनलिमिटेड पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही थी दोस्तों चार टॉपिक पैसा ट्रांसफर करने के लिए। आपको कौन सा सबसे अच्छा, सबसे इजी ऑप्शन लगा, सबसे इजी मेथड लगा पैसा ट्रांसफर करने का, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।